हेलो फ्रेंड्स, मवीना मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि नाभि में तेल लगाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं और नाभि में तेल क्यों लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, नाभि में तेल लगाने से मिलने वाले इन्हीं फायदों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा। वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, देखिए, आज मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रही हूँ नाभि में तेल लगाने का, इसे क्या होगा, आपको डेली में रूटीन में लाना होगा। डेली में रूटीन में लाने से क्या होगा, आपको इसका अच्छा इफेक्ट दिखेगा और आपको आदत भी पड़ जाएगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने काफी लोगों को अपनी नाभि में तेल लगाते हुए देखा होगा और सुना भी होगा कि नाभि में तेल लगा लो, बट क्यों लगा लो ये आपको नहीं पता है। इसी नॉलेज के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सर्दियाँ शुरू होने जा रही है, बहुत से लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, गाल फट जाते हैं या होंठ फटने लग जाते हैं या एड़ियाँ फटने लग जाती है, ऐसी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सब का इलाज है नाभि में तेल लगाना। ये देखिए, आपने देखा है कि काफी लोगों के होंठ फटने लग जाते हैं, बीच में एक लाइन सी खिंच जाती है और होंठ में से ब्लड भी निकलने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा तेल लेना है, वो अपनी नाभि में गोल घुमाते हुए 1 मिनट तक नाभि में मसाज करनी है। इससे क्या होगा, थोड़े ही दिनों में हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये होंठ फटने की खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, तेल आप चाहे सरसों का लो चाहे नारियल का, कैसा भी ले सकते हैं, बट उसे 1 मिनट तक, जब तक हम हमारी स्किन उसे अब्जॉर्ब ना कर ले, उसे ऐसे ही मसाज करते रहना है 1 मिनट तक। फ्रेंड्स देखिए, आपके परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके होंठ फटते हो या उसके गाल फटते हो, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा देसी घी लेना है और उंगली की मदद से नाभि में उसे 1 मिनट तक मसाज करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे के गाल फटने और होंठ फटने एकदम बंद हो जाएंगे। अगर आपको देसी घी ठीक नहीं लगे तो आप सरसों का तेल या नारियल का तेल भी ले सकते हैं। देखिए, जो नाभि होती है हमारी बॉडी का सेंटर होता है, उसमें हम जो तेल या घी अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट हमारे पूरी बॉडी पर पड़ता है। इसलिए नाभि पर तेल या घी लगाने से हमारी जो स्किन की होंठ फटने की गाल फटने की जो प्रॉब्लम है ये एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी एड़ियां फटी हैं या बालों में डैंड्रफ है, बाल रूखे सूखे रहते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेके अपनी नाभि के सेंटर में लगाना है और 1 मिनट तक मसाज करना है। इससे कुछ ही दिनों में आपकी एड़ियां फटने की, बाल रूखे सूखे रहने की ये सब समस्या है ये खत्म हो जाएगी और बहुत ही जबरदस्त असर होगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं और मेरी फैमिली काफी समय से नुस्खा आजमाते आए हैं। हमारी फैमिली में आज तक होंठ फटने, गाल फटने जैसी कोई शिकायत नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप भी इसे जरूर आजमा के देखिएगा और इससे बहुत ही अच्छा असर दिखेगा। देखिए, आपको करना क्या है, जैसे ही आप नहाकर आते हैं आपको थोड़ा सा तेल लेना है, अपनी नाभि में गोल घुमाते हुए लगाना है, जब तक हमारी नाभि उस तेल को अब्जोर्ब ना कर ले। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो आपको याद आए उस समय भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह और शाम दोनों समय कीजिए। इससे क्या होगी, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, जरूर से जरूर आजमाइएगा। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।